प्रोटिस्टा को हम पढ़े थे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एलजी और उसके बाद एलजी की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को पढ़े थे, और क्लासिफिकेशन के अंदर आज हमने उसी अपने प्रीवियस लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करना है। आज के जो हमारे पास फाइलम है वो क्या है, वो है रेड एलजी, जो कि फिफ्थ बेसिकली हमारे पास ग्रुप है रेड एलजी, इसको हम रोडोफाइटा भी कहते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे, और इसके अलावा जो हमारे पास एक लास्ट ग्रुप बच गया था ग्रीन एलजी उसको पढ़ेंगे। रेड एलजी को जब हम देखते हैं, रेड एलजी के कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम देखें, तो हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होता है एक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी बनावट किस तरह की है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर इसका जो है वो एक कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स की तरह है, जैसे कि जैसे आपस में चारपाई नहीं बुनी हुई होती या स्वेटर बुना हुआ होता है आपस में इंटरवोवन, तो कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स इंटरवोवन स्पेलिंग ठीक है, इंटरवोवन फिलामेंट्स की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, और कुछ जो है वो फ्लैटेंड शीट्स की फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, कुछ इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी जब मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें रेड एलजी की या रोडोफाइटा की, तो ये जो है मोस्टली ये अटैच होते हैं रॉक्स के साथ, अटैच टू रॉक्स, समंदर के अंदर या पानी के अंदर जो रॉक्स होंगे, कुछ पत्थर होंगे, कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, तो ये उसके साथ अटैच्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा भी है अपने जूनियर क्लासेस के अंदर, तो कैल्शियम कार्बोनेट की इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, और ये हेल्प करते हैं कोरल रीफ्स बनाने में। दे हैव कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल, एंड ये क्या करते हैं, दे टेक पार्ट इन कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या है, इसको आप डिटेल में देखेंगे एनिमेलिया वाले टॉपिक्स के अंदर। बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्वेटिक लाइफ के अंदर या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, डिफरेंट ढेर सारे ऑर्गेनिज्म जब वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो एक वुडन सा स्ट्रक्चर देखने में लगता है उस तरह को। इसको मैं डिटेल में आपको एनिमेलिया वाले टॉपिक में कोरल रीफ्स को बताऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये देख लें कि ये जो रेड एलजी है ये कोरल रीफ्स के बनाने में भी हेल्प करती हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास रेड एलजी या रोडोफाइटा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो कि है ग्रीन एलजी। सिक्स्थ ग्रुप है हमारे पास ये ग्रीन एलजी, जिसको हम क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। क्लोरोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जैसे कि अब आपको नाम से बता रहा है कि ग्रीन एलजी, तो इट मींस कि इनका कलर ग्रीन होगा, क्लोरोफाइटा इसका मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। तो ग्रीन एलजी जो है या क्लोरोफाइटा जो है, ये इनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से इनका कलर जो है वो ग्रीन है, और ये वही पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको इनको कहते हैं कि दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लांट्स से बहुत ज़्यादा इनकी मुमासलत है। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह, इन पिगमेंट्स हैं या आप कह लें कि एनर्जी रिजर्व्स जो इनके अंदर होते हैं, या फिर इनकी जो सेल वॉल है, ये सब की सब, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये प्लांट्स की तरह हैं। प्लांट्स की तरह किस तरह से, ये हम आगे देखते हैं। जब हमने पिगमेंट्स की बात की तो इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसके अलावा क्लोरोफिल ए, इसके अलावा क्लोरोफिल बी, और इसके अलावा इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम एनर्जी रिजर्व्स की बात करते हैं तो एनर्जी रिजर्व जो इनके अंदर हैं, या एनर्जी ये किस फॉर्म में सेव करते हैं, वो ये करते हैं स्टार्च के अंदर। जब हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी अपनी फूड जो है वो इस कुछ इसी तरह से स्टार्च में सेव करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल की जहाँ हमने बात की, हमने कहा कि क्योंकि ये प्लांट्स की तरह है तो प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है,
सेल्यूलोज से। तो ग्रीन एल्जी के जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू प्लांट्स। एक अगर हम इनके आरएनए सीक्वेंसिंग को देखें, आरएनए सीक्वेंसिंग, जैसे कि हमारे पास डीएनए के सीक्वेंसेज हैं, इसी तरह से आरएनए की सीक्वेंसिंग अगर हम देखें तो आरएनए सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर भी मोनोफिलेटिक लीनेज है। मोनोफिलेटिक लीनेज को हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देखा था, मोनोफिलेटिक लीनेज। और इससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास वो सब के सब जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो ग्रीन एल्जी से ही डेवलप हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑल द प्लांट्स अरोज फ्रॉम ग्रीन एल्जी। ठीक है, ग्रीन एल्जी से ही प्लांट्स जो हैं वो बने हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा आरएनए सीक्वेंसिंग भी इनकी मिलती जुलती है, और इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसके हैं वो भी प्लांट्स की ही तरह के हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास क्लेमिडोमोनास आ जाता है। क्लेमिडोमोनास को तो आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं क्लेमिडोमोनास, तो अक्सर हम क्लेमिडोमोनास को देख रहे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं। या फिर हमारे पास एक और होता है वॉल वॉक्स, इसके कॉलोनीज वगैरह होती हैं, इनको हम देखते हैं इनकी एग्जाम्पल के अंदर। मैं आपको इनकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस किस्म की, यहाँ पे ग्रीन एल्जी जो है वो ओशन के बिल्कुल फ्लोर पे आप देख सकते हैं, या ये कुछ रॉकी सा एरिया है जिसके अंदर आपको ग्रीन एल्जी जो है वो उसके साथ अटैच्ड नज़र आ रही है। और इस ग्रीन एल्जी की आप शेप को अगर देखें, या अगर आप इसको बहुत करीब से देखें, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह की इनकी बॉडी है। तो ये है हमारे पास ग्रीन एल्जी। ये एक और हमारे पास पिक्चर है वॉलवॉक्स की, वॉलवॉक्स की एग्जांपल मैंने आपको दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनियल सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से इसके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स गोल 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 स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, और इस तरह से वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर होता है। ये भी ग्रीन एल्जी के अंदर आते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ग्रीन एल्जी की किस तरह की शेप है, बल्कि हमारा ये कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एल्जी की क्लासिफिकेशन का। आज जो हमने पढ़ा, आज हमने क्या क्या देखा, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जी की बात की, सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप था वो यूग्लिनॉइड्स था, यूग्लिनॉइड या यूग्लिनोफाइटा, उसके अंदर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। फिर हमने डायनोफ्लैजेलेट्स को देखा जो कि पायरोफाइटा के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने ब्राउन एल्जी या फियोफाइटा को देखा। फिर हमने रेड एल्जी या रोडोफाइटा को देखा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद एंड पे हमारे पास आ गया ग्रीन एल्जी जो कि है क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा के स्ट्रक्चर को भी हमने देखा, और उसकी जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया। इसके बाद अपने टॉपिक को हम एंड करेंगे आज एल्जी के टॉपिक को। एक लास्ट छोटी सी बात या छोटा सा टॉपिक हमारा रह जाता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कि एल्जी को हमने पढ़ लिया और इसकी डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ लिया, लेकिन हमें क्या फ़ायदा, या हम क्यों पढ़ रहे हैं एलजी को इतनी डिटेल्स के अंदर। जब भी हम बायोलॉजी के अंदर किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में जानने के लिए तो स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा दूसरा कंसर्न ये होता है कि उस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखने के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे कि इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है ह्यूमन बींग्स को, या डिफरेंट और लाइफ फॉर्म्स को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंदर पहली इम्पोर्टेंस जो हम देखते हैं वो हमने अपने जब पीछे टाइप्स भी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सम ऑफ द टाइप्स आर एडिबल। हमने बात की थी ना जो केल्प्स थे हमारे पास ब्राउन एलजी के अंदर, उसके अंदर हमने कहा था कि जो केल्प्स हैं दे आर एडिबल। क्या था? केल्प्स, ठीक है। और ये एडिबल हैं, इसका मतलब हम इसको खा सकते हैं। ऑल्दो कोई बहुत अच्छी फूड कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन अगर ऐसा हो कि दुनिया में खुराक ख़त्म हो जाए तो हम केल्प्स को भी एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो फ़ायदा है वो क्या है, वो ये है कि दे प्रोड्यूस सम यूज़फुल सब्सटेंसेस। कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जो कि ये एल्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, एल्गिन, एगर, या फिर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसके डिफरेंट हमारे पास सिस्टम में सब्सटेंस होते हैं। अगर क्या होता है, अगर हमारे पास जो है ये हम कहते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज शुगर्स हैं,
पॉलीमर्स आपने अपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़े होंगे, लॉन्ग चेन्स होती हैं. तो ग्लैक्टोज जो है, जो कि शुगर, वो शुगर जो मीठी नहीं होती, लेस स्वीट शुगर होती है, ये उसके पॉलीमर्स हैं. और ये किस चीज़ के अंदर इनको हम यूज़ कर सकते हैं, कल्चर प्रिपरेशन के अंदर. जो हम मैंने आपको बताया था ना, मीडिया कल्चर हम प्रिपेयर करते हैं लैब्स के अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को फिर ग्रो करा सकते हैं, तो ये उसके बनाने में हेल्पफुल होते हैं. दे आर यूज इन कल्चर मीडिया प्रिपरेशन. तो इस तरह से डिफरेंट और भी यूजफुल सब्सटेंसेज जो है एल्जी प्रोड्यूस करता है, जिसको फिर यूज़ किया जा सकता है. तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो क्या है, कि दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. मेजर प्रोड्यूसर्स, जब हमने डायटम्स को पढ़ा था या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ा था, तो हमने कहा था कि ये वो दो मेजर ग्रुप्स हैं जो कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फूड प्रोवाइड करें, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करें. तो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स. जब मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए, तो इसका मतलब है कि एक जो फूड चेन होती है, जिसके अंदर हमारे पास टॉप से लेके लोअर लेवल तक एक एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस पूरे के पूरे फूड चेन के अंदर इनका एक बेसिक रोल है. यानी वो फूड चेन स्टार्ट ही इन्हीं से हो रहे हैं, क्योंकि दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स. तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और अच्छी खासी है. जब हम एलजी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी तो ये कि दे आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स. ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो तमाम लाइफ फॉर्म्स के लिए यूज़फुल है, चाहे वो इक्वेटिक हो चाहे वो नॉन इक्वेटिक हो. तो इस तरह से हमने देख लिया इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी. यहाँ पे हमारा एलजी का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है. हम ओवरऑल प्रोटिस्ट की क्लासिफिकेशन पे एक नज़र डाल देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे थे. हमने सबसे पहले जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट लिया था, और प्रोटिस्टा के अंदर फिर हमने तीन ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया था. सबसे पहले हमारे पास एक जो आया था वो प्रोटोजोआ था. प्रोटोजोआ के डिफरेंट टाइप्स को भी हमने पढ़ लिया. उसके बाद हमारे पास था एलजी. आज हमारा एलजी का भी टॉपिक ख़त्म हो गया. थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास रह गए फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट से ही आगे कंटिन्यू करेंगे.